हेलो एसपीएस एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वॉचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केतु के जेमस्टोन के बारे में, यानी कैट्साई के बारे में, और जिसको हम लोग हिंदी में वैदुर्य भी बोलते हैं, यानी संस्कृत में जो इसकी एक्चुअल में भाषा है वो वैदुर्य है, और हिंदी में भी इसको वैदुर्य बोलते हैं और इंग्लिश में इसको कैट्साई बोलते हैं। तो कैट्साई के बारे में बहुत बार ये चर्चाएं होती हैं कि हमें कैट्साई जेमस्टोन पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, केतु की दशा चल रही है, क्या हम जेमस्टोन पहन सकते हैं, केतु हमारे फर्स्ट हाउस में है, सेवंथ हाउस में है, हमारी हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है, मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या हम इसका जेमस्टोन पहन सकते हैं ताकि केतु हमारे फेवर में आए, केतु हमारे टेंथ हाउस में है, बिजनेस का बहुत बड़ा लॉस हो चुका है, क्या हमें इसका जेमस्टोन पहनना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों की तरफ से आते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप केतु का जेमस्टोन पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं, और कौन सी सिचुएशन में पहन सकते हैं, यानी आपके बर्थ चार्ट में ऐसी कौन सी प्लेसमेंट है जिसके कारण आप केतु का जेमस्टोन पहन सकते हैं। सबसे पहली बात यह, केतु के नेचर को समझते हैं कि केतु है क्या, जो हमें मेटलिस्टिक चीजों से सेपरेट करता है, जो हमें इस दुनिया की चीजों से सेपरेट करता है, जो हमें फन से, प्रेम से, अटैचमेंट से, किसी के साथ जो भी हमारा लगाव होता है, दोस्ती होती है, यारी होती है, और जो भी हम मेटलिस्टिक गेन कलेक्ट करते हैं, हासिल करते हैं, अचीव करते हैं, कमाते हैं, उन सब चीजों से केतु हमें सेपरेट करता है। क्योंकि केतु एक डिजॉल्विंग एनर्जी है, केतु हमें इन सांसारिक चीजों से सेपरेट करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ लेके जाता है। तो केतु का नेचर समझना बहुत आसान है, यानी सांसारिक चीजों से जब हमारी वृत्ति होती है, जब हम संसार की चीजों को छोड़ने की कोशिश करते हैं, या संसार की चीजें ऑटोमेटिकली हमसे छूटती चली जाती हैं, तो वो केतु के कारण होता है। केतु सेपरेशन का कारक है, डाइवोर्स का कारक है, डिटैचमेंट का कारक है, और केतु हमें मेटलिस्टिक चीजों से अलग करता है। अब बात यह आती है कि केतु का जेमस्टोन, अगर केतु का नेचर यह है तो क्या हम केतु का जेमस्टोन पहन सकते हैं? आप केतु का जेमस्टोन नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ना चाहते हैं तो आप केतु का जेमस्टोन बिल्कुल भी नहीं पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ जाना चाहते हैं, आप एक मॉन्क बनना चाहते हैं, एक साधु सन्यासी बनना चाहते हैं, और सांसारिक चीजों को छोड़ना चाहते हैं और अपना सारा ध्यान भक्ति की तरफ लगाना चाहते हैं, तब आप केतु का जेमस्टोन पहन सकते हैं। लेकिन आप एक गृहस्थ हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, फैमिली पर्सन हैं, तो आप केतु का जेमस्टोन नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि केतु आपको सांसारिक चीजों से वृत्ति देता है। दूसरी बात यह, राहु और केतु की प्लेसमेंट अगर बर्थ चार्ट के थर्ड हाउस में, सिक्स्थ हाउस में और इलेवेंथ हाउस में होती है तो यह प्लेसमेंट बहुत अच्छी मानी जाती है। थर्ड हाउस में, सिक्स्थ हाउस में, इलेवेंथ हाउस में केतु की प्लेसमेंट आपको मेटलिस्टिक चीजों का गेन करवाती है, और जो भी आप चीजें हासिल करना चाहते हैं उन सब चीजों का गेन होता है। केतु अगर केंद्र भाव में होता है, यानी फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवंथ हाउस में, टेंथ हाउस में, या त्रिकोण भाव में होता है, यानी फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ हाउस में, या नाइन्थ हाउस में, लेकिन केतु का लॉर्ड, क्योंकि राहु केतु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के लॉर्ड के हिसाब से राहु और केतु बिहेव करते हैं। अब राहु और केतु आपके केंद्र भाव में, त्रिकोण भाव में जिस राशि में प्लेस्ड हैं, उस राशि का लॉर्ड अगर आपके एसेंडेंट के हिसाब से आपके लिए बेनिफिक है तब आप केतु का जेमस्टोन पहन सकते हैं। लेकिन उस पर्टिकुलर राशि का लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में, एट्थ हाउस में, ट्वेल्थ हाउस में है और आपके एसेंडेंट के लॉर्ड का फ्रेंड नहीं है तब आप केतु का जेमस्टोन नहीं पहन सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि आपको यह पता होना चाहिए कि केतु का जेमस्टोन क्यों पहना जाता है, केतु का जेमस्टोन इसलिए पहना जाता है कि अगर आप सांसारिक चीजों से वृत्ति चाहते हैं और संसार की चीजें अगर आपको परेशान कर रही हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, खींच रही हैं, आप संन्यास की तरफ जाना चाहते हैं, आप सांसारिक चीजों को छोड़ना चाहते हैं, तो आप केतु का जेमस्टोन पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप इन सांसारिक चीजों में
रहना चाहते हैं, संसार से जुड़ना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, केतु आपके सेवंथ हाउस में बैठा हुआ है, केतु आपके वीनस के साथ बैठा हुआ है, केतु आपके जुपिटर के साथ बैठा हुआ है, तो आपको केतु का जेमस्टोन नहीं पहनना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि केतु का जेमस्टोन पहन के आप केतु के मैलेफिक असर से बच सकते हैं, केतु आपके वीनस को हार्म नहीं करेगा, केतु आपके जुपिटर को हार्म नहीं करेगा, केतु आपके सेवंथ हाउस को हार्म नहीं करेगा, तो ये आपकी सोच बहुत गलत है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया केतु के जेमस्टोन के बारे में, जिसे हम वैद्युर भी बोलते हैं और कैट्साई भी बोलते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने जेमस्टोन के बारे में या जेमस्टोन से जुड़ी हुई किसी चीज के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।